हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस मार्केट के बारे में, तो कल क्लोजिंग के वक्त हमें डाउ जोन्स, एसएनपी 500 और नैस्टैक में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इनमें जो नियर टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा हमें बियरिश यहाँ पे दिखाई देता है। ब्रेंट क्रूड और गोल्ड की डिमांड में थोड़ी सी कमी यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पे ब्रेंट क्रूड अराउंड 41.52 और गोल्ड यहाँ पे 1908 डॉलर के रेट पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। एशियन मार्केट आज यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ यहाँ पे ओपन हुआ। हम एसजेएक्स निफ्टी को आज यहाँ पे 11,157 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, और निफ्टी 50 का जो फ्यूचर लेवल्स है उसमें एक मार्जिनल रैली यहाँ पे देखा जा सकता है। करंटली ये 11,180 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको आज मोस्ट प्रोबेबली 11,160 के ऊपर निफ्टी में एक ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम कल की सेक्टोरल इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में अराउंड 0.7% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला, जबकि हम एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, रियल्टी और मीडिया के केस में यहाँ पे एक फॉल को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें पिछले चार दिनों में निफ्टी में सबसे बड़ा एक लूजिंग स्ट्रीक पिछले दो महीनों में देखने को मिला है, जिसके वजह से आगे आपको इसमें एक कंसोलिडेशन के चलते एक साइडवे ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे एशियन मार्केट में ज़्यादातर करेंसी में एक डाउनसाइड डॉलर के मुकाबले देखा गया, और यहाँ पे हम इंडियन रुपी में भी इस बात को कंटिन्यू रहता हुआ देख सकते हैं। मंडे के क्लोजिंग को देखते हुए यहाँ पे हमें ट्यूसडे को अराउंड 19 पैसे का एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला, जिसके वजह से आपको इंडियन मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आगे के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम मार्केट के आउटलुक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पुट साइड में हमें 11,000 के लेवल्स पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी 37.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हम यहाँ पे पुट राइटिंग को 11,100 और 11,000 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर आपको निफ्टी आज थोड़ा सा वीक दिखाई देता है, तो हम 11,100 और 11,000 के लेवल्स को यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड में आपको यहाँ पे 11,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप देखने को मिलेगा, तो हम अपर साइड में यहाँ पे 11,500 को इस हफ्ते के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 11,300 पे एक कॉल राइटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो हम आज के ओपनिंग के बाद यहाँ पे 11,300 को नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको निफ्टी और बैंक, मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी अगर वीक अगर आपको दिखाई देता है, तो निफ्टी में ये कंसोलिडेशन हमें थोड़ी सी नीचे की ओर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में आप 11,100 को ही यहाँ पे मेजर सपोर्ट की तरह कंसीडर करते हुए इसमें अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही रियल टाइम अपडेट्स पाना है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली अगर हम बात करें कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहला न्यूज़ हमें इंडियन ऑयल की ओर से दिखाई दे रहा है, जिसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे पेट्रोकेमिकल एंड ल्यूब इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे गुजरात रिफाइनरी में यहाँ पे कंटिन्यू करने का यहाँ पे अप्रूव किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 17,825 करोड़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो में हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अगले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिंदल स्टील के बारे में, तो यहाँ पे इकरा ने यहाँ पे इसके रेटिंग वॉच को रिमूव किया हुआ है। इसके बैंक फैसिलिटी और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को देखते हुए करेंटली इसे नेगेटिव इम्प्लीकेशन का एक रेटिंग दिया गया है, और
जिसके चलते यहाँ पे इसका जो करंट आउटलुक है उसे यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो इसकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज उसमें थोड़ी सी डाउनग्रेड किए जाने की वजह से आपको आज जिंदल स्टील में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो आज आप 9:30 के बाद अगर स्टॉक में कोई भी वीकनेस आपको दिखाई दे तो स्टॉक में आपको एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें HDFC बैंक के बारे में, तो यहाँ पे जिन लोगों को, जिन रिटेल बोरोर्स को यहाँ पे अपने लोन्स को रिस्ट्रक्चर करवाना है, उनके लिए बैंक की ओर से एक खुशखबरी है। यहाँ पे बैंक की ओर से ऐसा बोला गया है, जिन लोगों के पास मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस अराउंड 25,000 उनके बैंक अकाउंट में है, वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड डेट को यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। यहाँ पे रिलायंस जियो अपना एक बंडल ऑफर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसे आज यहाँ पे सितंबर 23 से यहाँ पे पोस्टपेड प्लान के जरिए यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कंपनी अराउंड 500 GB का डेटा लोगों को प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस एंड हॉटस्टार का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को एज ए बंडल ऑफर प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी 399 से यहाँ पे 1499 रुपये तक यहाँ पे मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकती है। तो आपको आज रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी हलचल इसके वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इंट्राडे स्टॉक वॉचलिस्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।